जा फर्ज चंद गद्दारों की बात आप। अब ये पहले लाल पप्पू यादव से तो मुकाबला कर लें, तब जाकर के एनडीए से मुकाबला करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपू झा। गीता के सार में कहा गया है, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। गीता का ये सार बिहार की सियासत पर इन दिनों सटीक बैठता नजर आ रहा है क्या? चुनाव नजदीक हैं, अपनी अपनी ताकत की नुमाइश की कवायद जारी है। दम दिखाने से पहले दम होने का दंभ भरा जा रहा है। जाति और वर्ग के आधार पर एक बार फिर ताकत मापने का सिलसिला चल पड़ा है। इसी सिलसिले में कभी माई समीकरण के जरिए बिहार की सियासत पर राज करने वाले लालू यादव भी हैं, लेकिन सवाल है कि नीतीश के साथ जाने और लालू का कई यादव नेताओं का साथ छूटने के बाद आज भी यदुवंशी पूरी तरह से साथ हैं, या फिर गीता के सार के मुताबिक कल जो लालू यादव के साथ थे आज किसी और के साथ हैं। दावे कई हैं, आज उन्हीं दावों पर बड़ी बहस। चंद गद्दारों की बात आता। अब ये पहले लाल पप्पू यादव से तो मुकाबला कर लें, तब जाकर के एनडीए से मुकाबला करेंगे। यदुवंशी, जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। 90 के दशक में बिहार में यादव जाति के वोटरों पर लालू यादव की अच्छी पकड़ मानी जाती थी, लेकिन 2005 में पहली बार लालू के गढ़ में सेंध लगी। कारण भी था, कई यादव नेता लालू को छोड़ जेडीयू और बीजेपी में आ गए। इस साल भी पप्पू यादव, जिनकी कोसी इलाके में अच्छी पकड़ मानी जाती है, लालू के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं। लालू के खिलाफ जिस तरह से यादव नेता लगातार विरोधी तेवर अख्तियार किए हुए हैं, उसे कहा जा सकता है इस बार बिहार में लालू बनाम यादव का मुकाबला तो नहीं। वो मतलब क्या, ये क्या कहना चाहते हैं? क्या कहते हैं, पप्पू यादव अपर कास्ट के हैं? हमने कहे दूसरे यादव, सरंजन यादव अपर कास्ट के हैं, नित्यानंद राय यादव नहीं है क्या? बाकी क्या कहते हैं कि और जो भूपेंद्र यादव हैं, रामकृपाल यादव हैं, ये यादव नहीं है क्या? ये क्या दिखलाना चाहते हैं? इनके हाथ से मिट्टी खिसक गई है। अब ये पहले लाल पप्पू यादव से तो मुकाबला कर लें, तब जाकर के एनडीए से मुकाबला करेंगे। रामविलास पासवान के इस बयान में लालू यादव की सियासत से जुड़े सवालों के कई जवाब हैं। सवाल ये है कि क्या लालू यादव के वोट बैंक में सेंध लग चुकी है, और ये सेंध लालू के कभी अपने रहे यादव नेताओं ने लगा दी है। हमारे बीच सभी मिर्जाफर जयचंद गद्दार सब बैठ के अपना इधर से उधर बात करते रहता। मिर्जाफर जयचंद गद्दारों की बात आपका। लालू प्रसाद यादव का गुस्सा समझा जा सकता है, क्योंकि एक समय जिन लोगों के सहयोग से लालू ने बिहार की सत्ता पर अपना कब्जा जमाया, अब उनसे ही चुनौती मिल रही है। पप्पू यादव, रंजन यादव, देवेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव, इन सभी ने एक साथ बैठकर लालू यादव की चिंता बढ़ानी शुरू कर दी है। सभी जाति और धर्म के लोग उठ चुके, इंक्लूडिंग यादव, ये मैं बता देना। अब मैं तो उनका मॉनिटर था, तो जितना हम लालू प्रसाद को इस पृथ्वी पर जानते हैं, जितना हम इस पृथ्वी पर कोई नहीं जानता। 10 सालों में सबसे अत्यधिक जिसको आप इस्तेमाल करते रहे राजनीति के लिए, सबसे ज्यादा जुल्म सितम किसी पर हुआ तो यादवों पर और मुसलमानों पर, और नीतीश कुमार जी के सरकार के रीजन में। तो आप कृष्ण तो समाज की प्रतिष्ठा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए पांडव के साथ खड़े हुए, और आप आज जात की राजनीति करते, तो आप लोग तो कंप्लीट रूप से कंस और दुर्योधन के आप पोषक हैं, आप खानदान के दोनों आदमी हैं। इन नेताओं के अलावा लालू का साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए रामकृपाल यादव और नंद किशोर यादव भी लालू राज पर सवाल उठाकर
लालू की मुश्किलें बढ़ाने में जुटे हैं। 17% आबादी है, 16 से 17%, मगर दूध में मक्खी की तरह नीतीश कुमार जी निकालकर फेंक दिया और अभी घरियालिया से रो रहे हैं ये, इन पर कौन विश्वास करेगा? आप हो सकता है कि विश्वास कर रहे हो नीतीश कुमार जी पर, मगर वो समाज, वो वर्ग, वो तबका, वो जनता कभी विश्वास नहीं करेगा। लालू प्रसाद यादव को यादव जाति के नेताओं से मिल रही चुनौती पर जेडीयू का कहना है कि कुछ भी हो जाए, यादव लालू के साथ ही रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को विभिन्न सामाजिक समूहों का समर्थन प्राप्त है, यह बिहार की जमीनी राजनीतिक सच्चाई है, न कि पप्पू यादव, नंदकिशोर यादव, रामकृपाल यादव जी, रंजन जी का तो हसरा भी लोकसभा में हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने देखा है, इसलिए ये लोग राजनीति के हाशिए पर रहे। बिहार में यादव जाति के 15% वोटर हैं, जो एक जाति के हिसाब से सबसे ज्यादा हैं। इस जाति के वोटरों पर लालू प्रसाद यादव की पकड़ रही है, लेकिन यादव जाति के दूसरे कई नेता लालू के इस वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटे हुए हैं। यादव वोट बैंक पर सबसे मजबूत पकड़ लालू यादव की मानी जाती रही है, और यही कारण है कि लालू यादव के खिलाफ बीजेपी या अन्य दल से कई यादव नेता खड़े हो गए हैं और उन्हें चुनौती दे रहे हैं। अब देखना है कि लालू यादव अपने इस वोट बैंक पर पकड़ किस तरह बचाए रखते हैं, लेकिन इतना तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीति काफी दिलचस्प होने जा रही है। कैमरा पर्सन केपी सिंह के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। और ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवल किशोर यादव जी, प्रोफेसर साहब विधान पार्षद हैं बीजेपी से, सतीश कुमार विधायक जेडीयू, भाई वीरेंद्र जी हैं राजद के एमएलए, और दद्दन पहलवान पूर्व मंत्री। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सबों का। सबसे पहला सवाल दद्दन पहलवान जी आप ही से हम करना चाहते हैं। एक दौर था बिहार की राजनीति में जब लालू प्रसाद यादव की तूती बोला करती थी, 90 के दशक से जो शुरू हुआ, 2005 से हम देखते हैं कि जबरदस्त उसमें गिरावट आनी शुरू हुई। आपकी क्या सोच है, आप भी लालू प्रसाद यादव के साथ एक लंबे कार्यकाल के लिए रहे हैं? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी के साथ जो 2000 में वोट था, 95 में वोट था, वो आज नहीं, इसलिए कि लालू क्यों नहीं है, क्या कारण? लालू प्रसाद यादव के मानसिकता खराब था, जो उनके साथ जो उनका मददगार था सब लोग को काटने का काम किया, छांटने का काम किया। छांटने के बाद आप देखे हैं इस बात को, सारे बिहार के लोग देखे हैं कि सतीश जी मुख्यमंत्री रहते हुए राबड़ी देवी को, मुख्यमंत्री रहते हुए लालू यादव की पत्नी रहते हुए उनको हराने का ही काम किए, जहाँ पर 1,40,000 करीब करीब यादव का वोट है वहाँ पर भी उनको हारना पड़ा, पाटलिपुत्र है, मतलब कि हर जगह अपना लोग को छांटने के कारण इनका वोट का गिरावट हुआ है, अब इनके साथ लोग जुट नहीं पाएगा। इसलिए दद्दन पहलवान जी थोड़ा सा रोकना आपको चाहेंगे, ताजुब सा थोड़ा प्रतीत हो रहा है कि जब तक आप लालू जी के साथ थे ऐसे मुद्दों को आपने कभी नहीं उछाला, आज क्यों, आज क्या जरूरत आन पड़ी है? हम बहस को हम इसी मुकाम पर लेकर के जाना चाहते हैं कि एक के बाद एक जो है अपने आप को यादव नेता कहते हैं वो लालू जी से बिछड़ करके अब ये मुद्दा क्यों उठाने की कोशिश कर? देखिए, लालू जी के खिलाफ ही हम चुनाव लड़े थे, लालू जी के जब जमाना था तब हम 3-3 बार MLA बने डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से, इनको हम मदद करने का काम किए, और 2001 से इनकी पूरे बिहार को हमको घूमने का मौका मिला, पूरे बिहार के यादवों की दुर्दशा देखने का मौका मिला, तब हम इनको विरोध चालू किए, और विरोध चालू किए तो आज तक विरोधे चालू है, और लोकसभा चुनाव में भी आप देखें हैं, लोकसभा चुनाव में हमारा अभी 1,88,000 वोट मिला इनके खिलाफ करने के बाद भी, आइए आप जानते हैं कि आपका पाटलिपुत्र में यादव का गढ़ है वहाँ पर भी चुनाव हारना पड़ा, वहाँ पर छपरा में भी चुनाव हारे, यहाँ पर आपका मधेपुरा में शरद यादव से चुनाव हारे, तो इनका अब आज के दिन में इनके घर में कोई जिला परिषद VDC से लेकर मुखिया, जिला परिषद, आपका राज्यसभा, MLC, कोई इनके परिवार में यदि यादव के नेता रहते, इतनी भारी संख्या है यादव परिवार का, तो यादव परिवार में जैसे उत्तर प्रदेश में ले लीजिए मुलायम सिंह यादव के घर से 5 MP है, उसके साथ साथ जिला परिषद आपका चेयरमैन, मतलब कि करीब करीब 50 परिवार, परिवारवाद एक कारण था, आप कहना चाह रहे परिवारवाद एक कारण था कि एक के बाद एक तमाम लोग बिछड़ते चले गए। जी जी, तो दूसरी बार आप इशारा कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव के भी 5-5 अगर हैं तो उनका भी हश्र वैसा नहीं, हो सकता नहीं, है, मान ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो तो बचा लिए जी, वो अपने क्षेत्र में बचा लिए, अपना परिवार को बचा लिए, टोटल समझिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में हार गए,
इसलिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ इनका जो अभी स्थिति है बिहार के अंदर, बिहार के सारे यादव लोग इनसे नाराज हैं। जैसे कि आप लवल किशोर यादव जी, आपके पास हम आते हैं, आपका भी लंबा कार्यकाल रहा है लालू जी के पास, उनकी कार्यशैली से आप बहुत अच्छी तरह से, अब तो उल्टा सवाल कर रहे हैं। पहले जो यादव के ठेकेदार हैं उनसे बात करनी चाहिए थी, तब हमसे बात कर, हम तो उस पार्टी में है नहीं जहां यादव के ठेकेदार हैं। आप जब बहस कराते हैं तो इस बात पर ख्याल रखनी चाहिए कि हमको कहां से उठाना और कहां गिराना है। आपके इस सवाल का जवाब मुझे लगता है बहस जैसे से परवान चलेगी। नहीं 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 नहीं, मैं किसी भी सवाल के जवाब देने के लिए हमेशा रेडीमेड में रहता हूं जी, लेकिन आपका समय चाहिए। आप चूंकि ऐसा है कि आप पहली दफा, मैं समझ नहीं पाया कि आप यादव के मतदाता और यादव के लीडरशिप पर चुनौती पर बहस करा रहे हैं। ये मैंने नहीं, विषय कुछ और है, हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे, विषय कुछ और है। देखिए जी, ये और जातियों से अलग इसका कैरेक्टर है, ये इससे ज्यादा पॉलिटिकल बिहार में कोई जाति नहीं है। ये दलितों, शोषितों, गरीबों, वंचितों की जो लड़ाई लड़ते हैं उनके साथ रहा। भारत आजाद हुए, दो धारा बना, नेहरू जी का एक धारा, एक लोहिया का धारा। बहुत लोगों ने नेहरू जी के धारा को स्वीकार किया, लेकिन बिहार के जदुवंशियों ने, उत्तर प्रदेश के जदुवंशियों, जहां तक मैं जानता हूं, वो लोहिया के धारा को रखा। इसने कभी जातीय लीडरशिप और जात के फेरा में बहुत यह जाति नहीं रहा है। इसके नेता बीपी मंडल नहीं हो सके, दरोगा राय नहीं हो सके, बुद्धदेव सिंह नहीं हो सके, रामलखन सिंह यादव नहीं हो सके, रामजयपाल सिंह नहीं हो सके, कर्पूरी ठाकुर हुए और चौधरी चरण सिंह हुए, आचार्य कृपलानी हुए, नरेंद्र देव हुए, मधुली में हुए, और उसी धारा को लेकर चंद्रशेखर जी ने आंदोलन खड़ा किया था 74 में, और सब सारी पार्टियां मिलकर वो आगे बढ़ा था। इसलिए यादव जाति जाति पर नहीं, गरीबों की रहनुमाई करने वाला के विचार के साथ है चलता है, परिवारवाद के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ, दुराचार के खिलाफ, अनर्थ के खिलाफ, गरीबों के पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ने का इसको हमेशा यह मंसूबा रहा है और आज भी यही प्रयास कर रहा है। किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है जी, इसके बारे में बहुत हल्के। और आज की स्थिति यह है कि लालू यादव जी से आप जोर को देख रहे हैं, 2005 से नहीं, आप लालू जी 96 में जब 95 में चुनाव लड़े तो बहुत बहुमत आया, उसके बाद जब वो अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया और 2000 में फिर इनको समर्थन लेना पड़ा, 2005 में जब नीतीश जी टेकओवर कर लिए, आप दिन प्रतिदिन गिरते रहे। रामलखन सिंह यादव को बिहार के जदुवंशी नेता मानते थे, उनके लिए, उनके कहने पर वोट नहीं देते थे। इसलिए इस जात को किसी जातीय लीडर से जोड़ के नहीं, बल्कि विचारधारा से जो इसको सम्मान देगा, जो परिवारवाद के खिलाफ लड़ेगा, जो पाखंडवाद के खिलाफ लड़ेगा, जो उसकी हिस्सेदारी और भागीदारी पर विश्वास करेगा, उसके साथ जाने वाले हैं। किसी का ही बंधुआ मजदूर नहीं है, चाहे कोई पांव उठा के लंबा बन रहे हो कि हमारे पॉकेट में, क्योंकि कर्पूरी जी मर गए थे वक्तव्य के शुरुआत कर्पूरी जी कही थी। सुन लीजिए, कर्पूरी जी के मरने के बाद लालू जी को चूंकि उसी विचार के, लोहिया के विचार के पोषक के रूप में, वाहक के रूप में माना था, इसलिए यादवों ने नेता माना था। जब लोहिया के विचार को छोड़े, पत्नी को लाए, बेटे को लाए, बेटी को लाए, परिवार को लाए, आप देखिए उसी स्पीड से उनका लोग छोड़ते चले गए, और आज वो तलाश है कि जो अंतिम पंक्ति का लड़ाई लड़ेगा, कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, खिलाफ लड़ेगा, कुछ आंकड़े हैं हमारे पास। 1990 में तकरीबन 63 विधायक यादव नेता चुनकर के आए थे, 95 में 86 बहुत ऊपर, 2000 में 64 और फिर लगातार गिरावट, 2005 में मात्र 39, 2010 में और भी ह्रास। नहीं, 2000 में चूंकि बिहार विखंडित हो गया, बिहार और झारखंड अलग हो गए, 2000 के पहले का जो आप डाटा दे रहे हैं वो इंक्लूडिंग बिहार झारखंड का दे रहे हैं, 2000 के बाद ये डिवाइडेड बिहार का है, इसलिए भी गिरा है। ये किसी के आशीर्वाद पर नहीं चलता, इसके पॉपुलेशन है, लोकतंत्र में जिसको वोट है वो लोकतंत्र पर निश्चित रूप से अपना अधिकार बनाना चाहेगा। और भाई वीरेंद्र जी के पास आना चाहते हैं। भाई वीरेंद्र जी, आपने सुना ददन जी का क्या कहना है, नवल किशोर जी का क्या कहना है, आपकी अपनी सोच क्या है? देखिए, जदवंशियों का जो इतिहास रहा है, ये ठीक बात है
कि वो विचारधारा, वो समाजवादी विचारधारा के चतुवंशी रहे हैं लोग, खासकर बिहार और यूपी में। और यादव का जहाँ तक लीडर का सवाल है, रामलखन सिंह यादव शेरे बिहार कहलाते थे, और कहावत था कि रामलखन सिंह यादव जब आह्वान करते हैं तो यादव एक पैर पर खड़ा हो जाता है। वो भाषण दे रहे थे कि हम लोग को एक पैर पर खड़ा होना चाहिए, तो सब यादव एक पैर पर खड़ा हो गया था। कहे कि नहीं ऐसे नहीं, एक बात पर हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है, यादव का लीडर है, विचार तो यादव का जो है समाजवादी है जी, लेकिन यादव का नेता समाजवादी आंदोलन से निकले लोग ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। और जो लोग भी अहम बात आपने जो लोग भी आज यादव का नेता बनना चाहते हैं, ये सब लालू यादव के छत्र छाया में राजनीति किए हैं। चाहे वो ददन जी हो, मंत्री बनाए गए हो, ददन जी अपनी हैसियत जानते थे कि हम क्या हैं, जीत कर चले आए, जनता ने इनको जितवा दिया, लालू यादव ने इनको मंत्री बना दिया, तब इनकी पहचान बिहार में हुई। अगर लालू यादव मंत्री नहीं बनाते तो शायद हो सकता था जो पहलवान के नाम से जाने जाते थे बक्सर और डुमड़ाव और जगदीशपुर में, वहीं तक जाने जाते, बिहार नहीं जानते। ददन जी आपकी प्रतिक्रिया लालू जी के रहमो करम पर? देखिए भाई वीरेंद्र जी, तो अभी आपका आरजेडी में आए, पहले दूर भी थे, इनको जानकारी होना चाहिए कि हम एक शिक्षक से त्याग पत्र देकर 2000 में चुनाव लड़े, 2000 में 2005 में दो दो बार लालू यादव के खिलाफ चुनाव लड़े, और 2000 में इनका विधायक की संख्या कम था, हम अपने शक्ति के बल पर 17 विधायक को ले आकर समर्थन कराए, और समर्थन करने के बाद हम लोग को चार आदमी निर्दलीय तो कोई मंत्री बना दिया। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट था, आपने समर्थन किया इसलिए आपको मंत्री बनाया गया। हाँ। लेकिन जो यहाँ पर जो केंद्र बिंदु में चर्चा हम आ रहे हैं आपके पास, केंद्र बिंदु मैं आ रहा हूँ तुरंत तुरंत भाई वीरेंद्र जी, मैं जो समझ पा रहा हूँ, आप तमाम लोग जो अपने पॉइंट्स को रख रहे हैं उसे ये समझ पा रहा हूँ कि क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी के रहमो करम पर किसी की नेतागिरी चमकी शायद, और जब उस तरीके का ग्रेस मिलना बंद हो गया तो छिटकने लगे एक के बाद एक नेता, और आज कहीं ना कहीं अलग धलक पड़ गए हैं लालू जी, ऐसा लग रहा है भाई वीरेंद्र जी? देखिए लालू जी व्यक्ति हो सकते हैं, व्यक्ति का नाम ले, वो तो विचार है, और पूरे बिहार यूपी में उनका विचार माना जाता है, देश और दुनिया के वो नेता हैं, कोई बिहार ही की लीडर नहीं है। और जहां तक ये लोग जिनका फोटो आप दिखला रहे हैं बार बार और कई लोगों का नाम रखे जी, वो सब उन्हीं के छत्र छाया में राजनीति में पांव रखे, और एमएलसी हुए, कोई एमपी हो गया, उन्हीं के छत्र छाया में हुआ। और हम कहा करते थे कभी कभी, आप मानते हैं उनको लालू का ऋणी होना चाहिए, और जो भी लोग छत्र छाया में रहे वो भस्मासुर का काम किया, भस्मासुर जी, उनको ऋणी होना चाहिए लालू जी का, निश्चित रूप से ऋणी होना चाहिए, ख्याल रखना, मर्यादाओं का ख्याल रखना होगा, मर्यादाओं का ख्याल रखना। हम भी, लेकिन हमारे साथ सतीश कुमार जी विरोध में चुनाव लड़े हैं, लेकिन मर्यादा को लांघने का काम हमने कभी नहीं किया। अभी आपको लग रहा है मर्यादा को लांघा जा रहा है, एकदम लांघा जा रहा है, राजनीति की मर्यादा को लांघा जा रहा है। चर्चा को जिस मुकाम पर हम लेके जाना चाह रहे हैं भाई वीरेंद्र जी, वो मुकाम शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या आपको, ये जो मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है या लांघा जा रहा है किसी के इशारे पर हो रहा है, निश्चित चर्चा से उस मुकाम अभी आएंगे। लेकिन सबसे पहले सतीश कुमार जी, आपको क्या लग रहा है, गठबंधन तो हो गया, ऐलान तो कर दिया, कहीं ना कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि शायद इस गठबंधन के पीछे एक थॉट प्रोसेस था, थॉट प्रोसेस ये कि एमवाई समीकरण शायद इंटैक्ट होगा लालू प्रसाद यादव के साथ, यानी 29-30% का वोट शेयर जो लगातार उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित करता रहा है, ये एक मूल कारण है कि लालू जी के साथ हाथ मिलाया आपने? देखिए समय की बात है, लालू यादव जी के साथ हाथ मिलाने के ही कारण है, नीतीश कुमार जी जब भाजपा का साथ छोड़े और भाजपा के साथ जब गठबंधन हुआ था तो नीतीश जी के फेस वैल्यू को भजाया भाजपा के लोगों ने, नीतीश जी के फेस में, हाँ नीतीश कुमार के नाम पर ही बिहार में उस समय 90 के बाद जो लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय ऐसा परिस्थिति था, चूँकि यादवों की बात हो रही है तो यादव हमेशा गरीब पिछड़ों का संरक्षक रहा है जी, और पिछड़ा वर्ग यादव के साथ रहा था, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सामंतवाद के खिलाफ यादवों ने पिछड़ों को संरक्षण दिया, दलितों को संरक्षण दिया, और उस समय जब 90 के दशक में बिहार में बागडोर संभाले के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू जी बने, उसके बाद से पिछड़ा वर्ग लालू जी के साथ आ गया,
यादव में भी सत्ता की भूख जगी और लालू जी को नेता मानने लगा। लेकिन 15 साल में कुछ ऐसे तत्व जिनके चलते लालू जी की बदनामी हुई जी, और पूरे यादव जाति बदनाम हो गया। यादवों से जो प्रेम करते थे लोग वो भी दूसरे के साथ चले गए, यादव जाति को छोड़ने लगे। उसी का परिणाम है कि जो आपने समीकरण बताया, संख्या बताया कि यादवों की संख्या इतनी थी, धीरे धीरे घटते चला गया। तो अकेला एक जाति से राजनीति नहीं होता है जी, जब तक कुछ और अन्य जाति जो कमजोर तबका है की कोशिश कर रहे हैं, एक नहीं होगा तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता है जी। तो लालू जी के साथ कुछ लोग जो थे वो उनके आर में रह करके नाजायज फायदा उठाया और उसके चलते यादव जाति बदनाम हुई जी। लेकिन आज जब नीतीश कुमार जी 2005 के नवंबर में सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से बिहार को बदलने का काम किया उन्होंने। लेकिन यादव जी लगातार एक आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में चुन चुन करके जाति विशेष के लोगों को के ऊपर कार्रवाई की गई, स्पीडी ट्रायल्स कराए गए और हजारों की संख्या में उन्हें जेलों में ठूंस दिया। नहीं नहीं, ये गलत आरोप, बेमेल जोड़ है पप्पू जी का, गलत आरोप है। नीतीश जी के राजपाट में कभी भी यादवों के साथ अत्याचार नहीं किया गया। मैं भी इस दल का विधायक हूँ, 2010 में मैं चुनाव जीता, राबड़ी देवी के खिलाफ चुनाव जीता, और हम चुनाव जीतने के बाद मैं सरकार में रहा, देखा कहीं यादवों के साथ अन्याय नहीं हुआ। हाँ, कुछ लोग जो लूटने का काम करते थे, भयभीत करने का काम करते समाज को, और इस कानून के राज में उनकी नहीं चली। क्या नीतीश जी यादवों को आर लेकर के लोग ही इस तरीके के दिखे? क्या नीतीश जी को कुछ जाति विशेष? नहीं नहीं, नीतीश जी ने कभी जाति विशेष पर कोई ऐसा काम नहीं किया कि यादवों को साइड किया गया, या क्योंकि यादव में कुछ ऐसे लोग थे जो हर समाज में, हर पंचायत में, हर प्रखंड में अपनी दबंगता के कारण पूरे यादव समाज को अपराधी होते हैं, उनको हम किसी जाति की संज्ञा क्यों दे रहे हैं आखिर? ये तो गलत होगा, इसलिए यादव गलत होगा। चलिए मजबूरी, एक छोटे से ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो नवल किशोर यादव जी आपसे हम प्रतिक्रिया चाहेंगे इस पूरे मामले। गद्दारों की बात अब ये पहले पप्पू यादव से तो मुकाबला कर लें, तब जाकर के एनडीए से मुकाबला करेंगे। गद्दारों की बात अब ये पहले पप्पू यादव से तो मुकाबला कर लें, तब जाकर के एनडीए से मुकाबला करेंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। नवल किशोर यादव जी, आपने तमाम चर्चा को सुना, क्या दलील थी सतीश कुमार जी की, भाई वीरेंद्र जी का क्या कहना था और ददन यादव जी का क्या कहना था, आपसे समझना चाह रहे हैं। हमेशा धर्म का साथ निभाते आए हैं यदुवंशी, कृष्ण जी से उदाहरण ले लें, आज की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में आपको क्या लग रहा है? बहुत सारे नेता उभरे हैं जो दावा ठोक रहे हैं यादव के वोट बैंक पर, सही है या गलत है? किसी के इशारे पर हो रहा है या आपको लग रहा है ये एक स्वतः प्रक्रिया थी, होनी ही थी? देखिए, एक बात तो मैं पहले बता दूं कि दावा ठोकने से कोई यादव का नेता नहीं हो सकता है, और किसी को गाली देने से यादव का नेता नहीं हो सकता है, परिवादवाद करने से यादव का नेता नहीं हो सकता है, पाखंडवाद करने से यादव का नेता नहीं हो सकता है, और भुलावा देके, टहलावा देके अपमानित करे और अपने आप को बाजार में कहीं असहाय समझ के सरेंडर कर दे, वह भी यादव का नेता नहीं हो सकता है। ये समझाना होगा, और यादव सुन सिपूजन समझाइए थोड़ा, समझ नहीं आपने मुझे बुला लिया है, तमाम हम लोग जदुवंशी बैठे हुए, उसे आज तक मैंने राजनीति में जात के आधार पर कोई काम नहीं किया है जी। लेकिन यह बात मैं बता दूं, ऐतिहासिक बात, कि ये जो वोट है इसको नेता नेता नहीं कहने जाता है कि हमारा तुम नेता हो जाए, हम तुम्हारा नेता, ये नेता चुन लेता है, ये विचारधारा के साथ चलता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह के नेता मान सकता है, लेकिन दरोगा राय चीफ मिनिस्टर बने थे, कांग्रेस के पीछे लग्गू थे, उनका नेता नहीं माना। बीपी मंडल सामंत थे, यादव थे, लेकिन सामंत थे, उनको नेता नहीं माना। रामलखन सिंह यादव के कहने पर एक पैर पर यादव खड़ा हो जाता था, लेकिन उनके कहने पर कांग्रेस को वोट नहीं दिया, और उनके भी पतन तब हुए जब बेबी बाबू आए, और लालू जी का भी पतन उसी दिन से यादव पर हो गया जब बीबी आए।
आप इसको बहुत माइनूटली आप गाली देने के लिए कुछ कहने के लिए इसीलिए तो समझना चाह रहे हैं। देखिए आप सबों को बुलाया इसीलिए कि हमें समझाइए थोड़ा। इसलिए जो गरीबों का लड़ाई लड़ेगा जो लड़ रहा है और किसी के एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी को किसी भी कीमत पर यादव वोट नहीं करेगा और नीतीश जी के भी वोट यादव को किसी क्षेत्र में एक वोट नहीं करेगा। ये लालू जी का मजबूरी हो सकता है परिवार का, नीतीश जी का मजबूरी हो सकता है, ये यादवों की मजबूरी नहीं है, इनके व्यक्तिगत मजबूरी होगा। और आपको मैं बता दूं कि जिस दिन नीतीश जी को इस नीतीश जी ने जितना अपमानित लालू यादव को किया और उससे जितना अपमान का 20 यादवों ने, जब यादव उसको सिरमौर मानते थे तो उनको आपने जेल भेजा, सरेंडर कराया, गाली दिया, सजा याफ्ता कराया, वह पीड़ा उनके मतदाताओं में और जदुवंशियों में है और वह पीड़ा लालू जी प्लास्टिक सर्जरी करके भूल सकते हैं, लेकिन वो गांव गरीब जो सिर्फ सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ा है, कोई जो जजात की लड़ाई नहीं लड़ा है, वह अपने मान सम्मान के लिए कदापि थोड़ा सा रोक रहा हूं, हमारी मजबूरी है थोड़ा रोकना आपको। भाई वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र जी से पूछ रहे थे, बहुत सारे आपने आरोप लगा दिए। भाई वीरेंद्र जी आपको क्या लग रहा है? ठीक है, ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी करा करके भले ही एक चेहरे पर स्माइल ले सकते हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि जिस फॉर्मूले पर यह गठबंधन हुआ वो फॉर्मूला ही गलत है। नीति है कि किसी तरह के जादव को गाली दो और जादव को जादव से लड़वाओ जी, लेकिन जादव इतना मूर्ख जाति नहीं है, ये समाजवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ जाति है, वो जानती है जाति कि हमको किसको वोट देना है। चेहरा चाहे जितना चमका लीजिए, केंद्रीय मंत्री बनकर या पूर्व एमपी बनकर चाहे एमएलए बनकर, वो चमकने नहीं देगा जादव। जादव जानता है कि हमको कहां रहना है तो शर, और बीजेपी रामविलास पासवान जी का जो बयान हो जाएगा जी, और रामविलास पासवान जी का जो जादव को ही नेता माना है और आगे भी लालू जादव जब तक रहे। हम यहां समझना चाह रहे हैं आपसे भाई वीरेंद्र जी, जो रामविलास पासवान जी का बयान आया उस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए आपको लग रहा है ये बयान अपने आप में एक प्लांट करने की कोशिश हो रही है? नहीं, प्लांट तो है ही निश्चित रूप से, ये सही कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल जो है एनडीए है, ये रोज प्लान बनाकर लालू यादव को टारगेट करने का काम किया है और घिराने का काम किया है और उसका जो वोटर है इसका असर होगा, लालू यादव इसका असर होगा, कुछ नहीं असर होने वाला, कुछ असर नहीं, आने वाला चुनाव बताएगा कि क्या असर होगा। चलिए थोड़ा सा रोक रहा हूं। सतीश कुमार जी, मैं वही सवाल आपसे भी करना चाहता हूं जो आरोप अभी फिलहाल नवल किशोर यादव जी ने लगाया कि जिस तरीके से अपमान हुआ लालू प्रसाद यादव का या फिर ये कह रहे हैं कि पूरे यादवों का नीतीश जी के द्वारा, तो इस फॉर्मूले पर के तमाम ये वोट लालू जी के साथ होंगे और नीतीश जी और लालू जी के एक साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता तमाम वोट बैंक में, ये थीसिस ही गलत है। देखिए फॉर्मूला ही गलत, लालू जी और नीतीश जी के साथ आने से, मैं भी क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं, हर जगह जा रहा हूं, यादवों में कहीं भी ये नाराजगी नहीं है कि नीतीश कुमार ने हमें 10 साल में तंग करने का काम किया, जेल देने का काम। ऐसे लोगों से ही मिल रहे हैं जब आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं? नहीं, जो आपकी हिसाब से ही बोले या फिर ऐसे लोगों से भी मिल रहे हैं, उनसे जब बात, ऐसे लोगों से बात भी आप बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने काम किया है जी और 10 वर्षों में उसने ऐसा नहीं किया कि यादव के गांव को छोड़ दिया, रोड से वंचित कर दिया, बिजली से वंचित कर दिया, स्कूल नहीं बनने दिया। थोड़ा सा और रोक रहा हूं। आपके ये तमाम लोग जो आकर के कहते हैं बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या ये कभी ऐसा सवाल आपसे करते हैं कि अगर सब चीज ठीक ठाक है, अब साथ छोटे भाई और बड़े भाई को आना ही था, तो इसके पहले इतने साल लगातार लालू जी को टारगेट पे क्यों लिया था? ऐसा सवाल भी कोई करते हैं आपसे? देखिए राजनीति में टारगेट कोई बनाता नहीं है, अपने आप बन जाता है। बोले अपने आप बन जाता। पहले मैं बोला जी कि लालू जी के साथ कुछ ऐसे लोग थे जी जिनके चलते लालू जी की बदनामी हुई और साथ साथ पूरे यादवों की बदनामी हुई। जैसे 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 बहुत सारे जो आज अभी जो लोग आज बिछड़ गए, अभी पप्पू जी विरोध कर रहे हैं, उत्तराधिकारी बनने का प्रयास कर रहे हैं लालू जी का उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी कोई बनाता नहीं है, अपने आप में काबिलियत है, आपको खुद यादव नेता मान लेगा, कोई भी दूसरे दल में जो नेता गए हैं। तो बात आपकी समझ में आ रही है, लेकिन ददन जी यहाँ पर आपसे हम समझना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दावेदारी ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, दावेदारी करने की जरूरत क्या है ददन जी? देखिए दावेदारी करने के, अपना परिवार के समाज के रक्षा करने के लिए दावेदारी जरूरी है। लालू यादव जी का समय था एक दिन, आज वह समय नहीं रह गया। आप लालू जी के पक्ष में जवाब दे रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप भी दावेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, पप्पू जी करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे दूसरे लोग खड़े हो गए, कुछ बड़ी पार्टियां हैं वो कोशिश कर रही हैं दूसरे की दावेदारी साबित कर दें,
ऐसा क्यों, जरूरत क्यों आन पड़ी है? नहीं, जरूरत है, आप में काबिलियत है, तो स्वतः लोग जनता आपके साथ होगी। 10 साल तक हमारे जादव परिवार का शोषण अत्याचार हुआ, हमारा परिवार और समाज के लोग गरीब लोग हैं, अपना घर में 4 भैंस गाय रख के दूध बेचकर अपना परिवार का जीविका चलाना चाहते हैं, तो साग सब्जी रोड पर बिक रहा है और हमारा गाय भैंस को शहर से बाहर खेदा जा रहा है। इसलिए या आपका जो आप स्पिरिट ट्रायल चलाकर बहुत सा ज्यादा लोगों को सजा कराने का काम सरकार किया है, और हमारा पुलिस ले लेकर छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी तक, सिपाही पुलिस एकदम आपका संत पोस्ट पर लिया दिया, कहीं पर भी हमारे जादव परिवार को नीतीश कुमार के राज में सम्मान नहीं मिला है। इसलिए जादव रोक रहा हूं, यहां पर नाना जी के पास आना चाहता हूं। कहीं बूमरैंग करने की आशंका है? बूमरैंग कर सकता है ये फॉर्मूला जो बना है? नहीं, ये बूमरैंग कर सकता है। हमसे पूछ रहे हैं क्या जी? नवल जी, क्या मतलब, क्या बूमरैंग कर सकता है, उल्टा पड़ सकता है क्या ये दाव लालू जी नीतीश जी का साथ आना? देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं मनोविज्ञान का प्रोफेसर जरूर हूं जी, और हम जितने बात उनके मतदाताओं के बारे में कहा, मनोवैज्ञानिक कारण आपको बताया है जी। ये किसी भी स्थिति और परिस्थिति में ये व्यक्तियों का मिलन हो सकता है, उनके मतदाता। अभी सतीश जी कह रहे थे कि ऐसा कोई, आप एक एग्जाम्पल बताइए कि जादवों को नीतीश जी ने तंग किया। अच्छा बताइए, भागलपुर दंगा का केस समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था, उसको रीओपन करके 55 लोगों को आपने सजायाफ्ता बना दिया। अब और एग्जाम्पल दें, आपने मिड डे मील में बच्चा मरा, वहां सोनपुर के आगे, नाम याद नहीं पड़ रहा है, मुजफ्फरपुर में, तो शिक्षा मंत्री ने हंसते हुए, आप देखिएगा यूट्यूब पर होगा, कहा कि ये लालू यादव के आदमी है, जादव है, अर्जुन यादव की पत्नी है, शिक्षा मंत्री ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसको उसकी जांच नहीं कराई गई कि जहर किसने डाला, और आतंकवादी के मसरख वाले मामले की बात कर रहे हैं। 7 दिन तक उसको रोड पर टहलाया गया, उस यादव की बहू को, और उसको नार्को टेस्ट कराया गया, 7 दिन तक थाने में रखा गया। अच्छा आप जरा बताइए, यहां अभी जो उम्मीदवार है रीतलाल यादव, जो लालू यादव जी के बहुत करीबी है, भाई वीरेंद्र जी के भी क्षेत्र के हैं जी, ना मेरे उनके, क्षेत्र के नहीं, उनके संपत्ति को आपने सीज कर लिया, मेरे क्षेत्र के नहीं, और जिनका अभी जो ठाठ बाठ वाला सरकार जी के अभी ले गए हैं, उनका संपत्तियां कहने सीज किए थे, 27,000 जवाब देंगे आप? 27,000 जादवों के, सुनिए सतीश कुमार जी, आप जवाब देंगे? किसी की संपत्ति जब्त होती है, लेकिन अभी फिलहाल जिनको जेल में भेजा, कोर्ट से सिर्फ अकेले 27,000 जादवों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजायाफ्ता कराया गया। यही नहीं, आप लालू यादव आज जरूर मिल ले, नीतीश कुमार 10 साल में जादवों पर इतना आतंक फैलाया, इतना आतंकित हुआ, मैं चुनौती देता हूं आप सर्वे करा ले 10 साल में कितने लोग अपने बाल बच्चा के नाम में जादव टाइटी रखे हैं, सारे लोगों ने डर से हटा दिया, और आप इससे ज्यादा इतना तो कंस भी नहीं किया था, और कहते हैं उसी को जाके जादव भोट देगा। जादव तो ऐसे लोगों से, पाखंडियों से, परिवारवादियों से, जो परिवार और बच्चा के लिए जीता हो, जो समाज के लिए नहीं जीता हो, जो गरीब के लिए नहीं जीता हो, कदापि उसको न नेता मानता है न भो, अगर नेता मानता तो पाटलिपुत्रा में मीसा कैसे हार जाती, शरद यादव से पाटलिपुत्रा में लालू जी कैसे हार जाते, रंजन यादव ऐसे उम्मीदवार से पाटलिपुत्रा में लालू यादव कैसे हार जाते, सतीश जी से राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होते कैसे हार जाती, सोनपुर से राबड़ी देवी कैसे हार गई। अब इसके बाद अगर आपके पास कोई और प्रमाण चाहते हैं कि आपसे रिएक्शन में है ये यादव जिसका आप नेता घोषित हो रहे हैं, आप उनके सेंटिमेंट के खिलाफ चल रहे हैं, आप उनको समझिए। इसलिए दम लग रहा है कि मैं कह रहा हूं उनकी दलील में, भाई वीरेंद्र जी दम लग रहा है आपको, बहुत सारी बातें एक साथ इन्होंने कही। ये जादवों का नाम गिनाया, क्षेत्र भी गिनाया, परिस्थितियां ऐसी बनती है कभी कभी जब मुंह के खानी पड़ती है, पॉकेट बरू भी चला जाता है उसके बाद। नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन कभी भी यादव वर्ग, लालू यादव, आप कहते हैं कि लाल यादव जो वर्ग है, यादवों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों की लड़ाई किसने लड़ा, दलित महादलित की लड़ाई किसने लड़ा, लालू यादव ने लड़ा जी भी, और लालू यादव ने लड़ा, माझी जी भी अलग हो गए, पप्पू यादव भी अलग गए, आप अलग हो गए, तो माझी जी के पास सब महादलित का वोट है क्या? ये तो पता चल जाएगा चुनाव में ना, लालू जी के बयान तो उनके पक्ष में आ रहे थे, उनके बयान में मिलाना चाहते थे जी,
मिलाना चाहते थे कि हमारे साथ ही रहो आप, नीतीश जी ने भ्रूकुटी कर ली, नीतीश जी ने, और ये सारा खेल मोदी सरकार के द्वारा ऊपर से हो रहा है, सबको पंप किया जा रहा है, ऐसा इतना पंप किया जा रहा है साधन दद्दल जी से पूछते हैं, बिहार में मोदी जी के इशारे पे काम कर रहे हैं दद्दल जी, आप पप्पू यादव जैसे तमाम लोग ये लोग कर रहे हैं और समाज को बांटने की काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं दद्दल जी, इस तरह की भाषा मोदी जी से कोई संपर्क उनसे या भाजपा से कोई संपर्क आपका, कि मर्यादित भाषा में बात करें और मर्यादा का उल्लंघन न करें। एक बात बताते हैं, ये आरोप लगाते हैं लोग मोदी जी के, कोई हम लोग चिंते भी नहीं पहचानते भी नहीं, टीवी अखबार में हम लोग देखते हैं जी। आ मोदी जी से हम लोग को क्या लेना है, हम भाजपा में हम लोग हैं नहीं। आज आपका लालू प्रसाद यादव जी के बारे में आप कह रहे हैं कि बड़ी गरीबों के लिए लड़ाई लड़े, तो बथानी नरसंहार, मियांपुर नरसंहार, सेनारी नरसंहार, आपका सिरघाटी नरसंहार, आपका सिवान में मथिया कांड 11 यादव का हत्या हुआ, उस समय कहां लालू प्रसाद यादव जी लड़ाई लड़े? जहां जहां यादवों पर अत्याचार हुआ लालू यादव वहां कहीं नहीं बोले, न वहां पर जाकर सजा कराए, न उनको जेल में भरे। तो लालू प्रसाद यादव जी को हम लोग शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन जो किए हैं यादव के साथ खिलवाड़, यादव के हाथ में लाठी धराने की क्या जरूरत था? यदि इनमें थोड़ा भी बुद्धिमानी रहते तो हाथ में कलम धरा के कलम रैली कराते। लालू प्रसाद यादव जी जो आपका पशुपालन घोटाला, हमारे परिवार का, हम लोग पशु पालते हैं, पशुपालन घोटाला में ही जेल गए, नीतीश कुमार जी भेजवाए। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूं कि छोटे लोग जब अपना बिहार के समाज के रक्षा करने का अभियान चलाते हैं तो तरह तरह के लोग आरोप लगाते हैं। भाजपा के समर्थन थे लालू प्रसाद यादव जी का, सरकार नहीं बना था, सबका चेहरा यादव पहचानता है कि कौन कितना पानी में है, कितना और कैसे लोग बड़े हैं, कहां लूट हुई है, किसकी हत्या किया है, लोग सबका इतिहास सामने आ जाएगा। इतिहास अगर ये लोग बनते हैं यादव का नेता, ये लोग यादव का ही अहित करने का हमेशा लूटने का काम किया है। आज ये क्या है, सबकी जांच करा लीजिए कौन क्या था, जांचें करा लीजिएगा, जांचें करा लीजिए कौन क्या था, जादू परिवार के जिस थाली में ये लोग खाते हैं उसी में छेद करने का ये लोग काम करते हैं। और ये लोग जादुओं के नाम पर राजनीति, जादू इन लोगों को पहचानती है। थोड़ा सा रोक रोक क्या कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है जब इस चर्चा को हम कर रहे हैं, क्या हम फ्यूडल माइंडसेट से ग्रसित हैं? क्या हम फ्यूडल माइंडसेट से ग्रसित हैं जो इस चर्चा को हम उस मुकाम पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने छल लिया, इनको हमने संरक्षण दिया था? इस चर्चा को यहीं से उठाएंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। मिर्जाफर जैसे गद्दारों की बात आता, अब ये पहले पप्पू यादव से तो मुकाबला कर लें, तब जाकर के एनडीए से मुकाबला करेंगे। गद्दारों की बात आता, अब ये पहले पप्पू यादव से तो मुकाबला कर लें, तब जाकर के एनडीए से मुकाबला करेंगे। तो ब्रेक के बाद बड़ी बहस में फिर से आपका स्वागत है। नवल किशोर यादव साहब, आपके पास आना चाहते हैं। क्या आपको लग रहा है आज का जो ये जनरेशन है, बहुत फास्ट है, सोशल मीडिया का जनरेशन है, और ये जनरेशन आज किसी भी दायरे में, सीमा में या फ्यूडल माइंडसेट में बंद करके नहीं रहेगा, एक नया इतिहास लिखेगा, ऐसा आपको लग रहा है? निश्चित, निश्चित। और जिसके आप बहस करा रहे हैं, देश के आजादी के बाद अपने आप को सर्वाइवल जितना बेहतर तरीके से इस कौम ने किया है वो अद्वितीय है। और इसके जनरेशन में पढ़े लिखे लड़के अब हो गए हैं, अब किसी का किसी पर कोई नहीं चलेगा। देखिए एक बात मैं कह रहा हूं सिपूजन जी, मैं बार बार कहता हूं, वोट सेंटीमेंट के आधार पर होते हैं, वोट सेंटीमेंट के आधार पर होते हैं, और वो सेंटीमेंट जब तक टच नहीं करेगा जब उसके विचारधारा से आप अलग हो जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल दे रहे जी, 2010 में लालू जी और रामविलास जी एक साथ लड़े, उसके पहले 2005 में रामविलास जी का चाबी भुला गया था तो प्रेसिडेंट रूल लगा था जी,
तो 2010 में जब चुनाव हुआ तो रामविलास जी के वोटर लालू जी को भी नहीं दिया और लालू जी के वोटर रामविलास जी को भी नहीं दिया, दोनों हाशिए पर चले गए। ये आपके सामने एक एग्जांपल है, इसलिए जिस वोटर के बारे में आप जिस बात से प्रेरित हो रहे हैं कि अगर चुनाव में 46% का वोट शेयर इनके पक्ष में जा सकता है तो शायद ये कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है आगामी चुनाव में भी ये 46% का वोट शेयर इनके पक्ष में। नहीं नहीं, ये चूंकि नीतीश कुमार से अलग थे इसलिए इनको 20% आया था। नीतीश कुमार के साथ गए कि इनका 18% गया। देखिए मैं बता रहा हूं, ये बात सेंटिमेंट का है। सिर्फ रामविलास जी ने कहा था कि हमारा चाबी भूला गया है जी, यानी लालू यादव और राबड़ी देवी को सत्ता से आउट करना प्रेसिडेंट उन लगा। और 2010 में गए तो लालू जी के तो याद भोर पड़ गया था, लेकिन वो जनता थी कहा करे चाभी दिखाने लगा हाथ में, देखिए चाभिया भुला गया था मिल गया। जी जी जी, चलिए आपकी बात समझ गया। वही हाल इस बार इन लोगों को होने वाला है, फिर चाभी गुम होने वाली है। चलिए भाई वीरेंद्र जी आपके पास आना चाह रहे हैं, आपकी क्या सोच है, निष्कर्ष की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए कृष्ण और अर्जुन का जोड़ी पूरे बिहार में दौड़ेगा और कृष्ण रथ चलाएंगे और अर्जुन अपना विकास का रास्ता दिखाएंगे कि कितना जनता के लिए मैंने विकास किया है। इसलिए जनता स्वीकार कर ली है और जितना नीतीश जी को एनडीए को वोट ये आया था मतलब सीट आया था उससे ज्यादा सीट इस बार हम लोग का गठबंधन का होगा। ददन जी आपसे समझना चाह रहे हैं, कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी बताई जा रही है, कोई कह रहा है संज्ञा दे रहा है कंस दुर्योधन की जोड़ी। नहीं, कृष्ण और आपका अर्जुन हो ही नहीं सकता, ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है कि कृष्ण और अर्जुन हो सकते हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार के क्षेत्र में जहां जहां ये अभी तो बोलने की बात नहीं है, सामने आएगा कि नीतीश कुमार के जो कैंडिडेट के दूसरे धर्म के द्योतक नहीं हो सकता। नहीं नहीं, द्योतक दूसरे धर्म, अभी अभी आप देख लीजिए ना, अभी अभी फर्क है। जहां पर आपका पोस्टर लगा है सारे होर्डिंग पर नीतीश को लालू प्रसाद यादव जी का, जब कृष्ण है तो इनका नाम रहना चाहिए, उनका फोटो रहना चाहिए। दर-दर नहीं होने वाला है और सामाजिक न्याय के लोगों का जादो के आपके हाथ में रहता था, अपने क्षेत्र के देख लीजिए सामाजिक न्याय का पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में सामाजिक न्याय की जो लड़ाई धारा लड़ा है वो लालू यादव है, यही सामाजिक इतिहास है। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले अपहरण घोटाला तरह तरह के, सतीश कुमार जी आपको क्या लग रहा है, पारिवारिक न्याय चर्चा करता है होगा लालू जी करने वाले लोग दोनों नेताओं का मिलन नवल किशोर यादव जी, भाई वीरेंद्र जी, सतीश कुमार जी और ददन पहलवान जी, आपसे जानना चाहता हूं आपको लगता है कि ये यदुवंशियों के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा, लिटमस टेस्ट होगा, एसिड टेस्ट होगा ये चुनाव? अब की तो टेस्ट है, आगरा चुनाव में भी टेस्ट होगा कि 350 देखिए कोई टेस्ट नहीं है जी, हम लोग को एकदम खुला समर्थन है और इसमें कोई भी दाग नहीं दे सकता है जादव परिवार। क्या पूछ रहे हैं, लिटमस टेस्ट होगा? क्या होगा, पहले ही लिटमस टेस्ट में लालू यादव के पूरा परिवार सड़क पर आ गया तो बार बार टेस्ट लीजिएगा। अरे आपको मैंने बताया ना, नीतीश जी के साथ जाने पर सतीश जी हराए पक्ष में बोल रहे हैं यादव चुनाव जीतते हैं जी, लालू यादव की कमी है, फैसला जो है जनता को लेना है। खैर बहरहाल नवल किशोर यादव जी, भाई वीरेंद्र जी, सतीश कुमार जी और ददन यादव जी, आप सबों का यहां पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा में इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ। मिर्जापुर जयचंद गद्दारों की बात अब ये पहले पप्पू यादव से तो मुकाबला कर लें, तब जाकर के एनडीए से मुकाबला करेंगे।